press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, so Ranvijay ji, सबसे पहले congratulations. ये 12वां season है and इसकी कमान आपके हाथ में हमेशा Splitsville की रहती है. तो आप बताइए कि आपको feeling होती है जब जब आपको कायल है सर इस बार आपको करना है. 12वां season इस बार लेकर आ रहे हैं आप. MTV Splitsville X2 है 12वां सीज़न है. आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल कि जब भी फ़ोन आता है कि यार अभी एक और Splitsville करने वाला है एक्साइटमेंट होती है क्योंकि हर बार का Splitsville अलग रहता है क्योंकि ये जो IP है ये MTV इंडिया की है तो इसका फॉर्मेट बदलते रहते हैं. जस्ट अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर 10 लड़कियाँ हैं और 15 लड़के हैं तो वहीं पर एक ऐसा अनबैलेंस ख़राब हो जाता है और वहीं पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है पहले दिन से ही. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है और हर बार हम लोग कुछ ना कुछ नया लाते हैं, कुछ अडेप्ट करते हैं जो नॉर्मल दुनिया में चल रहा है. और आजकल हर साल अगर आप देखो तो जो ट्रेंड है यूथ के वो बदलते रहते हैं और वही हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं अपने शोज़ में. इस बार आपके डैडी भी रिटायर हो चुके हैं तो आप ऐसे ऐसा माने कि आप उन्हें ऐसे फोर्स करेंगे कि आप देखें आपके पर्टिकुलर अपना टाइम दिया है कि आपका शो देखें वो आपके शो को. सो मेरे पेरेंट्स एक्चुअली मुझसे ज़्यादा MTV देखते हैं और अब पेरेंट्स माय डैड्स रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी तो वो एक्चुअली Splitsville के सेट पर भी आए थे कि उनके पास अब टाइम था तो 3-4 दिन के लिए आए थे और वो शूट भी देखते हैं. और क्योंकि वो जब फिल्मों के या फिक्शन शो के शूट पे आते हैं तो वहाँ पे उनको बोरिंग लगता है बिकॉज एक ही शॉट अलग अलग एंगल से होता है, एक ही सीन होता है पूरे दिन में. लेकिन रियलिटी शो पर अगर हम एक चैलेंज कर रहे हैं या टास्क कर रहे हैं तो उस दिन वो आके बैठते हैं और उनके सामने एक बार जब उन कंटेस्टेंट्स को बता दिया तो उनके सामने वो टास्क होता है, कोई ऊपर नीचे, कोई गिर रहा है, कोई ये कर रहा है, उनको बहुत मज़ा आता है उसमें, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा. और इस बार वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आए थे तो वो हमेशा देख कर कुछ ना कुछ रिव्यू ज़रूर देते हैं कि इस बार ऐसा था, बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ा ही मजाक किया था, ये था. बट दे हैव नाउ दैट दे हैव टाइम वो शूट पे भी आते हैं. जब तक Splitsville और रोडीज मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, जब तक वो अलग एक्सपीरियंस रहेगा. क्या है ना कि अगर कोई एक ही जॉब कर रहा हो, एक ही ऑफिस में जा रहा हो और उसको 16 साल हो चुके हों तो मैं मान सकता हूँ कि वो इंसान बोले कि यार मैं ये 16 साल से एक ही काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ बदलाव चाहिए लाइफ में. लेकिन अगर आप रोडीज या Splitsville देखें, मैं हर साल अलग जगह जाता हूँ, अलग कंटेस्टेंट्स होते हैं, अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं और हमारा थीम भी अलग होता है. बिकॉज ये हर बार ही अलग होता है, कुछ हमें करना ही है, मेरे लिए नहीं हो रहा है, ये हमारे ऑडियंस के लिए हो रहा है, हमारे व्यूअर्स के लिए हो रहा है, हमारे जो फैंस हैं उनके लिए हो रहा है, उसके लिए मेरे लिए भी एक्सपीरियंस अलग है. ये नहीं कि इस बार का जो रोडीज एक्स था, अरे यार ये तो वैसे ही था जैसे मैंने 10 साल पहले किया. नो, इट चेंजेस एवरी टाइम, इट चेंजेस. नो, देयर वर टू बॉयज एंड 20 गर्ल्स. इट इज सो डिफरेंट फ्रॉम इट्स नाउ 10 बॉयज एंड 10 गर्ल्स. इट्स डिफरेंट एंड इट वॉज Yeah, and you're in different places. The culture and the challenges that you do, they're different. I know journalists who worked for 50 years, but they're reporting on different films or different events like that, and they find it interesting because it's still different and they're interacting with different people. In a way, there are different contestants. As soon as the contestants are different and the challenges are different, at least the experience is different. Do you think the relationship which are getting made in this kind of show, they are long-lasting? ज़रूरी नहीं है. आजकल तो वैसे ही यूथ में चाहे वो रिलेशनशिप टेलीविज़न पे बने या किसी ऐप पे बने या सोशल मीडिया या फेसबुक पे बने, उसकी कोई गारंटी नहीं है. आजकल तो यंग लोगों के पास उतनी पेशेंस नहीं है कि वो अपने पार्टनर को या अपने स्पाउस को टॉलरेट करें. तभी अगर आप देखें तो डिवोर्स रेट्स यंग लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इट्स अ स्टैट. तो सिर्फ रियलिटी शोज़ में नहीं, मैं जनरली मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिलेशनशिप्स का जो स्पैन है वो कम होता जा रहा है बिकॉज लोगों के पास इतनी पेशेंस नहीं है क्योंकि लाइफ बहुत बिजी है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स, कंटेंट, ये वो. तो लोगों को लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं है किसी और के
प्रॉब्लम्स की अपनी लाइफ में, तो जैसे ही कुछ खटकने लगता है कहते हैं हाँ ठीक है हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या मैं आगे बढ़ रही हूँ. बट आई थिंक रिलेशनशिप में थोड़ा यू नो इट टेक्स, इट्स हार्ड वर्क, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट इज़ गुड ना जिंदगी में, जो भी अच्छा है अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू गिव. तो जब वो उम्र के साथ जब लोग समझ जाते हैं तो रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं, बट फिलहाल तो जब हम यंग यूथ में बात करें तो आई थिंक थोड़ा जो उनका टाइम है रिलेशनशिप का वो ऑलरेडी स्पैन थोड़ा कम हो चुका है, बट आई थिंक विद टाइम एवरीथिंग चेंजेस. सो